नमस्कार दोस्तों, मेहंदी दीवानी नानू के चैनल में आज फिर से आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो देख के आप लोग को पता चल ही गया होगा कि हम लोग कहाँ आए हैं। हाँ जी हाँ, हम लोग शिलोंग पीक घूमने आए हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गया, बहुत दिन पहले भी हम लोग आए थे, तो इस बार बहुत दिनों के बाद आना हुआ, क्योंकि हम लोग असम से हैं। तो असम से मेरा छोटा वाला भैया, भाभी, बच्चे लोग आए थे, तो उन लोग के साथ हम लोग घूमने निकल पड़े, क्योंकि रोज़ाना नहीं होता है, तो उन लोग आए, बहाना हो गया, हम लोग भी घूमने निकले। क्योंकि हम लोग यहाँ रहते हैं, मेरे बड़े भैया और भाभी और मैं, हम लोग तीनों रहते हैं यहाँ पे शिलोंग पे। तो उन लोग आए तो सारे के सारे हम लोग घूमने निकल गए, अच्छा भी लगता है बच्चों के साथ। तो यहाँ पे मेरा छोटा वाला जो भैया है, हम बैठे हुए कुछ खा रहे हैं अपने बेटे के साथ, ये मेरा हुआ भतीजा। तो आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिए, मैं सारा वीडियो कर करके आप लोग को दिखाती रहूँगी, ठीक है? चलिए तेरा बेटा आमी ड्रेस लगाने रे, के ड्रेस हो? खसिया ड्रेस ड्रेस लगाएर पुरा हिरोइन मन छ गरे हैन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो मैं बता देती हूँ आप लोग को क्यों खड़े हैं। क्योंकि यहाँ खसिया ड्रेस पहनाया जाता है, हमारे बच्चे ने भी पहन लिया, सुंदर दिख रही है। यहाँ पे वो ड्रेस पहनाने का 100 रुपये लेता है शायद, मैंने तो पूछा नहीं। तो बाहर में फूल रखा होता है, वो फूलों का डाली वो लेके अभी फ़ोटो खींचना है, वीडियो बनाना है, बस वही है। लड़की खुश हो रही है, उसका टोपी ठीक से नहीं मिल रहा है। र साथीहरू, यहाँ म पहिला म आउँदाखेरि चाहिँ मैले पनि लगाएको थिएँ नि, तर यो पालि चाहिँ लगाइनँ हो। हाम्रो भदैनीले केटीले चाहिँ ऊ लगाएर एकदम फुर्क परेर हिँड्दैछ, ऊ मुसुक मुसुक हाँस्दै। र त्यसको साथसाथै मैले यहाँ चारैतर्फ फेरि भिडियो घुराउँदैछु, धेरै मान्छे आएको छ घुम्नलाई। यसै पनि मान्छे त जहिले पनि आइरहेको छ, आज चाहिँ दिन पनि सफा राम्रो थियो त, त्यसले पनि होला बहुत मान्छे आएको छ। ऊ ऊ किच किच हाँस्दैछ है यो त। ल साथीहरू आगे हेर्दै गर्नु ल। यता आइजा, ऊ त्यहाँ ऊ भर्यो, ऊ उनीहरूको दुईजनाको बिचमा गएर मैले सबै खिचिसकेँ। अब म फेरि घुमेर जाँदैछु। खिचेर आऊ, हामी जाँदै कहाँ जाने? उता गाडीमा जाने। अब एलिफेन्ट फल पनि जाने भनेर मै त देरी हुन्छ नि। लो त साथीहरू, हाम्रो सिलोङ पिक घुमाइ खतम, हामी वापिस जाँदैछु। त गाडी चाहिँ टाढो राखेछ, दाजुहरू त अघि नै, भाउजूहरू अघि नै पुगिसक्यो, हामी तिनजना चाहिँ अहिले जाँदैछु गफ गफ गर्दै गर्दै। त यहाँ पनि गाडी चाहिँ अलिक टाढो राखेको छ अरे, त्यहाँसम्म हिँडेर जाने, त्यसको बाद हामी सिधा एउटा रेस्टुरेन्टतिर जाने हो, खाना खाने हो, त्यसको बाद मात्रै घर फर्किने हो। त यतिखेर टकटक गरम लागेको छ मलाई चाहिँ, के एकदम फेरि चङ चङ उज्यालो। ऊ सुरबीले चाहिँ कस्तो गफ लडाउँदैछ के, मकै खाँदै, मलाई खानु मनै छैन फेरि। ल त साथीहरू, हामी रेस्टुरेन्ट त आइपुग्यौँ र अब खाना खाने हो, दाजु भाउजूहरू सबै हिँड्दैछ। यो रेस्टुरेन्ट चाहिँ बहुत मजाको छ है, एकदम वरिपरि नि हरियाली नै हरियाली हरियो, एकदम सुनसानमा बिचमा यो रेस्टुरेन्ट छ, त खुब राम्रो लाग्छ। पहिला पनि एकबार आएको थियो हामीहरू, अनि राम्रो छ। त त्यसको बस्ने त्यो भित्र रेस्टुरेन्ट अहिले म देखाउँछु, भित्र बस्नेको सिस्टम पनि अलग्गै, भुइँमा पनि बसिन्छ के। हाँ तो दोस्तों, ये रेस्टुरेन्ट देखिए बहुत ही खूबसूरत जगह पर है, तो बाहर हरियाली हरियाली, हम लोग यहाँ खाना खाने आए। हेलो हाय बाय बाय। अब फाइनली हामी रेस्टुरेन्टमा आइपुगे, यस्तो हो नि त, रेस्टुरेन्ट आइपुगे तर म चाहिँ रेस्टुरेन्ट केही खानु छैन, म आइसक्रिम खान्छु।
यहाँ चाहिँ भुइँमा बस्ने प्रबन्ध पनि छ, आरामले भुइँमा बसेर पनि खानु सक्छ र उतातिर मजाले चेयर लागेको पनि छ, मुढाहरू मुढा पनि राखेको छ र के खाना खाने हो यहाँ अब अर्डर गर्ने दाजुले हेर्दैछ के खाने हो कसो खाने हो। त मलाई त केही खानु मन थिएन, म त एउटा आइसक्रिम खान्छु भने अनि म र सुरभि चाहिँ खाना आएको बेलामा भिडियो गर्नु सकेन, हामी दुईजना चाहिँ एउटा रिल्स बनाऊ है भनेर बाहिर निस्केको थियो साथीहरू। हामी चाहिँ खाना पर्खिनौँ, हामी चाहिँ खाना नखाने, मलाई त यसै पनि खानु मन छैन। दुईजना चाहिँ भदैनी र म चाहिँ जाऊँ न तल, कति राम्रो सिनेरीहरू छ, दुई तिनवटा रिल्स बनाऊँ भनेर हामी दुईजना चाहिँ तल आयौँ। दाजु भाउजूसँग खाना खाँदै होला र आजको लागि यहीँ तक, बाई बाई।